अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, ग्रेट। सब अभी अपनी लाइफ में मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जितनी भी परेशानी होंगी इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी रिव्यूज़ बाय माही। आप लोग सब सोच रहे होंगे मैं इतनी खुश क्यों हूँ, इतनी चीज़ें, क्योंकि ये वाली रिकॉर्डिंग बहुत पहले की है जो मैंने वॉइस ओवर किया था जब कराची में बारिशों का बड़ा ही बेहतरीन सीन चल रहा था। और बारिश और ये लेट नाइट ड्राइव्स मेरी कमज़ोरी है, मुझे इतनी पसंद है बारिश। जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, उनको पता है मुझे कितनी अच्छी लगती है बारिश। तो मूड अच्छा होता है, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। मैं आराम से अपनी गैलरी में बैठ के मैंने सोचा कि इसका वॉइस ओवर करूँ। भाई देखो, मुझसे ना या तो मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं साथ साथ बोलूँ तो वेल एंड गुड, अगर मैंने साथ साथ नहीं बोलना तो मैं रेंडमली कुछ भी बोलूँगी वॉइस ओवर में, तो वो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ आप लोग 10 दफ़ा गए होंगे डॉलमन क्लिफ्टन मॉल, क्लिफ्टन वाई डॉलमन मॉल बेसिकली, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, सेकेंड टाइम आई गेस। मैं बहुत कम ऐसे मॉल वगैरह जगह पर जाती हूँ सिर्फ खापा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, तो मुझे लगता है वो बेस्ट जगह है किसी के साथ जाने के लिए या ट्रीट के लिए, क्योंकि आप सबकी मर्ज़ी से आराम से मिल जाता है एक रूफ के ऊपर। अब आप लोग बोलोगे रेस्टोरेंट में भी तो मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं मिलता ना, इसीलिए तो मैंने ये कैप्चर की। तो उस वक्त पता नहीं क्या चल रहा था, वहाँ पे कोई इवेंट था तो मैंने उसकी वीडियोज़ वगैरह बनाई। लेकिन मैं हैरान हो गई क्लिफ्टन वाले मॉल में, मुझे इतना हैरानी हुई कि कंपेरेटिवली हैदी एंड तारिक रोड यहाँ पर इतना कम रश कैसे है और यहाँ पे लोग इतने सेंसिबल कैसे हैं। मतलब सेंसिबल से मैं किसी को वो डिग्रेड नहीं कर रही, अल्लाह माफ़ करे, या कुछ ऐसे, लेकिन मैंने देखा है कि जगहों का ना फ़र्क पड़ता है, लोग ना उसी तरह बिहेव करने लग जाते हैं जैसे पता नहीं क्या, मतलब अपने आप में जैसे आपकी नेचर है ना उससे थोड़ा सा हटके। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा जैसे बोलने का स्टाइल जो लोगों का चेंज हो जाता है, जैसे कुछ लोग बस मैं आप लोग समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे होपफुली, तो वो वैसा हो जाता है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन वो वहाँ पे बड़ा मज़ा आया, रूटीन बहुत अच्छा था। और अपना मेरा कराची बहुत कम आना होता है, बहुत कम अमूमन अपॉइंटमेंट्स हो या चीज़ें हों तो ही इस टाइम के लिए आना पड़ता है बस। वैसे ही अब हम लोग कराची में नहीं होते तो मज़ा आता है अब मुझे कराची में। इस तरह ना कराची की सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है ना, वहाँ पे सब अपने काम से काम रखते हैं सच में। या तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं बहुत प्राइवेसी पसंद हूँ तो सब ऐसे काम से काम रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब बारिशों के छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने लगाए थे क्योंकि मुझे बारिश एज़ यूजुअल बहुत पसंद है, और स्टेटस पे लगाने से अच्छा मैं कहा चलो व्लॉग में डालूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करती हूँ व्लॉग्स बनाने की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतने रूटीन में बिज़ी हो जाती हूँ और चीज़ें ऐसी होती हैं मुझसे मैनेज नहीं होता। ऐसा नहीं है मुझे फ्री टाइम नहीं मिलता, लेकिन पता नहीं क्यों सुस्ती है क्या है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी बनाने की। लेकिन एक और बात जो मुझे सबसे कहनी है, और प्लीज़ पे अमल भी किया करें, कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा भी मत बोला करें। और ये बात मैं सिर्फ किसी के चैनल पर जाके वैसे उस पर नहीं कह रही हूँ, मैं इन जनरल कह रही हूँ कि मेरे जितने भी फेलो यूट्यूबर्स हैं या चीज़ें हैं जो भी अभी ऐसा ऐसा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ऐसे रैंडमली कमेंट पड़ी होती तो आप छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू बना देते हो। पता है टाइपिंग करना घर में बैठ के ये सब चीज़ें बहुत आसान होती है, लेकिन कोई भी अगर सेंसिटिव इंसान है जो लिटरली कोशिश कर रहा है तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, फिर उसका पूरा दिन स्पॉइल होता है, तो उस पर गौर कीजिएगा। चलो इस बात पर अमल ज़रूर करना सही है। अभी के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग आएगा दूसरा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।